हेलो दोस्तों, IBPS PO 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इस बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकली है, 6432। तो इसकी जो डेट है वो 2 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो रही है और 20 अगस्त 2022 को ख़त्म होगी। तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो अक्टूबर 2022 में है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम है इसका, और रिज़ल्ट भी आपको नवम्बर 2022 के अंदर ये दे देंगे। तो इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन करूं IBPS PO की, अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। इसके बाद इसमें जो फ़ी है वो जनरल OBC और EWS की 850 है और SC ST और फिजिकली चैलेंज की 175 है। जो एज है, इस एज लिमिट है वो 20 से लेकर 30 के आस 30 तक है, और जो एज लिमिट काउंट होगी वो 1 अगस्त से काउंट की जाएगी। इस तरीके से हम देखेंगे कि जो प्री का एग्ज़ाम है, प्री का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग आएगा। इंग्लिश के अंदर 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही मार्क्स के होंगे, इसके लिए हमें 20 मिनट मिलेंगे। मैथ के लिए 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे और उसके लिए हमें 20 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग के अंदर 30 क्वेश्चन होंगे, 30 ही मार्क्स के होंगे और 20 मिनट के होंगे। सिमिलरली जो मेंस का पेपर है, इसका मेंस के लिए हमें इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर है 45 क्वेश्चन आएंगे जो 60 मार्क्स के होंगे, और उसके लिए हमें टाइम मिलेगा 60 मिनट, जो बहुत ज़्यादा टाइम है मेरे हिसाब से। इंग्लिश की जो इसमें 35 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के होंगे और 40 ही मिनट मिलेंगे, ठीक ठाक टाइम है इसके अंदर। और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसके लिए 35 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे और 45 मिनट मिलेंगे। हालांकि ये बहुत जिनकी सारा प्रैक्टिस के ऊपर है, डाटा इंटरप्रिटेशन अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो आप बहुत जल्दी इसको कर सकते हो। ऐसे इंग्लिश है और ऐसे ही रीजनिंग का है। तो इसी प्रकार से इसमें एक पोर्शन और रह गया है, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग एंड अवेयरनेस। ये सारा का सारा जो इसमें थोड़ा बैंकिंग का पोर्शन आप देख लीजिए, बाकी इसमें सारा करंट अफेयर का पोर्शन पूछा जाता है। ये 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स से होंगे, 30 मिनट मिलेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है। हालांकि इसमें 20 ही मिनट मिलने चाहिए थे, क्योंकि आप बहुत जल्दी कर सकते हो। CBDT कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। इस तरीके से टोटल जो 155 क्वेश्चन होंगे और मेंस के अंदर 200 मार्क्स के होंगे और आपको 180 मिनट मिलेंगे, यानी कि 3 घंटे मिलेंगे। इसके बाद इंग्लिश के अंदर, इसके बाद मेंस के अंदर एक पेपर और होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें लेटर एंड एसे आएंगे। एक क्वेश्चन लेटर का होगा, एक एसे का होगा, और उनके जो मार्क्स हैं टोटल 25 मार्क्स के होंगे, यानी 12.5 नंबर के एक लेटर और एसे होगा, और उसके लिए 30 मिनट मिलेंगे। तो इस तरीके से ये हमने पूरा IBPS PO जो 2022-23 का नोटिफिकेशन निकला है उसका हमने पूरा एनालिसिस कर दिया है, स्टार्टिंग से लेकर सब कुछ। और जो ये PDF मैंने आपके सामने इसलिए रखी है ताकि आपको फॉर्म भरते समय ये बात ध्यान रहे कि किस बैंक के अंदर कितनी जॉब्स निकली हुई हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि, और इसमें बहुत सारी अभी वैकेंसी आएंगी भी, अभी ऐसा नहीं है क्या कहते कम्प्लीटली फिल हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर UR के अंदर 2596 हैं और SC के अंदर 996 हैं। इस तरीके से यहाँ पर वैकेंसीज का क्राइटेरिया दे रखा है, और फिजिकली चैलेंज के लिए भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जैसे फिजिकली चैलेंज में आप देख सकते हैं ID के लिए इसमें यूको बैंक के अंदर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 20 पोस्ट है फिजिकली चैलेंज की, और VI के लिए 31 पोस्ट है, OCC और तो चैलेंज के लिए 32 पोस्ट है। और इस तरीके से यहाँ हम देखेंगे कि इसमें HI में जो आईवाल हियरिंग वाले हैं उसके अंदर 34 वैकेंसी। तो यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भरना, फिजिकली चैलेंज तो भर रहे हैं, देन केनरा बैंक को, क्योंकि केनरा बैंक के अंदर भी अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर आप पहली प्रेफरेंस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक को दे देंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि उसमें वैकेंसी नहीं है, तो ये बात बहुत ध्यान रखना। हालांकि इसमें सारी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हम देख रहे हैं कोई वैकेंसी भी है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बैंक इस बैंक में वैकेंसी नहीं होंगी इस बार। ये 6432 हैं, इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। तो प्लीज़ इसको अच्छे से प्रिपरेशन करो। अगर आपको
अच्छे से एग्ज़ाम निकल जाता है तो नवंबर दिसंबर तक आपके पास जॉब हो जाएगी। बहुत अच्छी पोस्ट है ये। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो धन्यवाद गाइज।